नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकारी तंत्र ही इस योजना का पलीता लगाता नजर आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF योजना के साथ साथ सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। गांव में जो शौचालय बनाए गए हैं वो मानक के अनुसार नहीं बने हैं और हाथी के दांत ही साबित हुए हैं। अब तक उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। शौचालय या तो बने हैं या तो बने ही नहीं, और जो बने भी हैं वो कहीं से उपयोग के लायक नहीं है। जनपद के बैरी ग्राम में शौचालय निर्माण के नाम पर 25 लाख का गबन कर दिया गया। मामले के खुलासे होने पर सचिव व ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मर्द विकास खंड का बौरी ग्राम पंचायत, जिसका चयन नीर निर्मल परियोजना के तहत किया गया था और शौचालय के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 1142 शौचालय के लिए 68,52,000 रुपया ग्राम निधि खाते में थे। बौरी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान से मिलकर 23,89,200 रुपया ये पूरी राशि एक साथ निकाल ली, जबकि शौचालय निर्माण के लिए आई पूरी राशि धनराशि एकमुश्त निकालने का कोई प्रावधान ही नहीं है। शौचालय निर्माण के दौरान लाभार्थी के खाते में ही धनराशि भेजी जा सकती है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में गबन की पुष्टि हो जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी और ग्राम सचिव रमेश राम के खिलाफ थाना नौनहरा में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज इसी क्रम में जब हम मामले की हकीकत जानने के लिए बौरी ग्राम पहुंचे तो वहां के हालात भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे थे। तमाम ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय निर्माण में घोटाला किया गया है। सभी गबन के बाद बनाए गए शौचालयों में तो गड्ढे तक नहीं पाए गए, वहीं निर्माण में मानक की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ग्रामीणों से निर्माण के नाम पर मजदूरी कराया जा रहा है, नहीं करने वालों को शौचालय नहीं बनाए जाने की धमकी भी दी जा रही है। अब तक 1142 शौचालय के सापेक्ष 200 शौचालय का निर्माण हो चुका है और अन्य का निर्माण जोरों शोर पर किया जा रहा है। ग्राम प्रधान के अनुसार उसने किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की है, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उसे परेशान किया जा रहा है। दिन भाई लेके बन ले, 7-1 का जोड़ल है, बालू देख लो आपके सामने बा, एकदम माटी जैसे बा, ईटा है देखी सेमा बा मीठा। आपके जब बनावा जात रहे, जब गलत बन रहे, आप लोग रोकने के प्रयास ना कीजिए। वो कहता ना कि बनवे ना करी, छोड़ देवा लोग तो जा लोग दूसरी जगह जाए, ये करवाओ बटे काम। दीवार खड़ा हो गई ना तो शौचालय में, मतलब शौचालय खातिर होके गए, पूरा बन गए का? अभी कहाँ पूरा बन गए बा। ओम प्रतिशत पूरे गांव का तो विवरण नहीं बता पाऊंगा। मेरा जो है शौचालय यहाँ से कम 400 मीटर दूरी पे ईंट गिरा था और बालू, हमने खुद स्वयं धोया, मैं विकलांग भी हूँ। नहीं सर, इसमें हमने जब देखा कि नहीं ये लोग 7-8-1 का वो लगवा रहे हैं मसाला, तो हमने अपना सीमेंट मंगा के अलग से जो है पीस में डलवाया मजबूती के लिए। जो लोग बना रहे हैं उनके कार्यों से आप लोग कितना संतुष्ट? नहीं सर, हम नहीं। सर ऐसी बात है कि हम शौचालय का जो भी गमन का आरोप लग रहा है तो हम लोग जो विरोधी है, जैसे एंटी पार्टी है, हम जो भी मानक के हिसाब से जो शौचालय बन रहा है वही हम लोग बनवा रहे हैं मानक के हिसाब से, मगर हमको परेशान किया जा रहा है। जैसे कुछ लोग विरोधी है चुनाव में, जैसे अतु होते हैं, मतलब जो आ रहे हैं लोग वो हमेशा परेशान करते हैं, कहीं नाली खड़ंजा बनवाते हैं वहाँ विरोध करके रुकवा देते हैं हमारा काम। वैसे मैं जैसे भी हम लोग गांव में भी घूमे हैं तो जो शौचालय पहले बन जाने चाहिए थे वो पैसा उतरने के बाद बने हैं, और जो मानक होने चाहिए, जैसे मानक उसमें कमी है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर मानक के हिसाब से ही बन रहा है वो। हाँ पैसा जैसे तो हुआ दिया गया तो मतलब लेट पैसा निकाला गया है, तो जब से पैसा निकाला है तभी से काम चालू हो रहा है, उस पर मतलब चुकी है।
सर शौचालय बनने के बाद उसको गड्ढे बनेंगे या क्या? सर ऐसा है कि मतलब जो शौचालय बन रहे हैं, शौचालय पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और गमला समला जो प्लास्टर काम कर रहे हैं, और प्लास्टर के बाद अभी बारिश का मौसम है, अगर गड्ढा खनवा दे रहे हैं बारिश में पानी भर जाएगा गड्ढे में पानी भर जाएगा, वो गड्ढा बेकार हो जाएगा, उसको तुरंत गड्ढा खनवाएंगे हम लोग और ढक्कन लगा कर ढाल देंगे उसको। हाँ निराधार है सर, बिल्कुल गलत है। जिलाधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि जांच में बौरी गांव में कमियां पाई गई हैं और शौचालय निर्माण स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, इसलिए हम जहां कहीं भी कमी पाई जाएगी वहां सख्त कार्रवाई करेंगे। बौरी गांव में जांच में ये सामने आया कि काम नहीं हुआ था लेकिन भुगतान कर लिया गया था, हमने FIR कराया इस पे। नहीं, जितनी भी जगह हम लोगों का स्वच्छ भारत मिशन या अन्य ग्राम विकास के कार्य होते हैं, हमारा कोशिश रहता है कि क्वालिटी पूर्वक काम, और इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से जिला स्तर से टीम जाकर जांच करे, और ये जांच में मामला सामने आया कि बिना काम के भुगतान किया गया है, तो जहाँ पर भी गबन होगा हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और कोशिश रहेगा कि जनता के विकास के कल्याण के कार्य गुणवत्ता के साथ। जो शौचालय बने थे उनमें भी ये शिकायत था कि वो मानक के अनुसार नहीं है, तो FIR का पार्ट भी।